नमस्कार बालेश्वर खबर तरफ रु मु रश्मि आपण मानको स्वागत जनाउछि। आजकार मुख्यांशरे देखिबे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी को जयंती उत्सव बालीघाट रे अनुष्ठित हेला बाली मेला महोत्सव सुनट पात्रपड़ा बैत बंदन उत्सव उद्यापित बेलाभूमि रे पति जाउथिबा युवक उद्धार प्रधानमंत्री द्वारा सिटी गैस वितरण प्रकल्प शिलान्यास पाइप जोगे गैस देवार भारत विश्व तृतीय सप्ताह फर्म आवेदन बेले सामखुंट विडीओ खराब व्यवहार जोगु तीन दिन धरी ब्लॉक सम्मुखरे धारणा बालेश्वर कलेक्टर और जिला क्रीड़ा एसोसिएशन द्वारा उद्यापित हेला आमतुर क्रिकेटर्स ट्रॉफी मयूरभंज विषय थाना नुआगा छकरे पछपटु बाइक को पिटिला ट्रक ट्रक चापरे जड़े मृत्यु देशरे पाइप जोगे उपभोक्ता रंधन गैस जोगाण पाई सहरी गैस वितरण प्रकल्प शिलान्यास होइछि। देशरे 17 राज्यरे 129 जिला पाई 65 प्रकल्पर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली विज्ञान भवन रु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एहार शुभारंभ करिछन्ति। शिलान्यास होइथिबा प्रकल्प मध्यरे ओडिसार 7 जिला पाई 3 प्रकल्प सामिल थिबा बेले बालेश्वर प्रकल्प अन्यतम। एहार शिलान्यास पाई नोसी बिजनेस पार्क रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। एही प्रकल्प पाई लाइसेंस पाइथिबा अदानी गैस लिमिटेड पक्षरु आयोजित एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबे सांसद इंजीनियर रवींद्र कुमार जेना जोग दे प्रकल्पर शिलान्यास को उन्मोचित करथिले। से तांको भाषण रे कहिथिले जे 2 वर्ष पूर्वरु देशरे पाइप जोगे गैस जोगाण आरंभ होइथिला ओ ओडिसा रे एहा केबे कार्यकारी हेबो बोली 2016 डिसेंबर 20 तारीख रे से संसद रे प्रश्न करथिले। पाखापाखि 2 वर्ष पूर्वे 26 डिसेंबर 2016 सकाळ 11 जेतेबेळे पार्लियामेंट आरंभ हुए सेतेबेळे सिटी बेस्ड गैस पाइपलाइन विषय रे सेदिन रो प्रश्नोत्तर कार्य थिला। मते मध्य सुजोग मिलिथिला से प्रश्नोत्तर कार्य रे भाग नबा पई मान्यवर केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री निकट रे गोटे दाबी उपस्थापन करथिले। मंत्री महोदय आपण ए कार्यक्रम भारत बर्षर अलग जगार आरंभ कर सारे मो निर्वाचन मंडल मो जिले में केवे आरंभ करेंगे से विषय आम को प्रतिश्रुति दिदिन जदि समय प्रतिश्रुति पार नथिले किंतु गोटे कथा कही पार्लियामेंट रे जोटा कि लिपिबद्ध हो रही पार्लियामेंट रेकर्ड रे मु निश्चित भाव रे नेक्स्ट फेज रे बालेश्वर रे सिटी गेस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट करी। आज एठ आम धन्यवाद देवा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को माननीय केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री महोदय को से आज आम जिले में मोर निर्वाचन मंडल रे सेतेबेळे केंद्र मंत्री आगामी दिन रे कार्यकारी करा जीव बोली प्रतिश्रुति देथिले जहां आजि कार्यकारी हेबाकु जाउछि सेथिपई से प्रधानमंत्री ओ विभागीय केंद्र मंत्री को धन्यवाद जणाइथिले। सम्मानित अतिथि भाबे नुआपडा विधायक तथा बीजेपी रो राज्य सभापति बसंत पंडा प्रमुख जोग दे उज्ज्वला गैस योजना परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एहा आउ एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली कहिबा सह चीन अमेरिका परे भारत विश्वर तृतीय देश जेके पाइप जोगे उपभोक्ता को गैस जोगाई देबो बोली कहिथिले। चीन और अमेरिका परे तृतीय राष्ट्र भारत जे सहरी पाइपलाइन जोगे गैस जोगेबार व्यवस्था रे प्रमुख भूमिका निर्वाह करबा पई जाउची। एभली एक सुंदर एवं अभूतपूर्व सफलता रे क्षण रे आमर गहन रे मुख्य अतिथि रूप से उपस्थित थिबा बालेश्वर सांसद महोदय रवींद्र कुमार जी जेना मोर बंधु सहयोगी गोविंद भाई माननीय विधायक रेमुणा एवं अदानी ग्रुप रो वाइस प्रेसिडेंट आरबी सिंह जी माननीय जिलापाल महोदय गण्यमान्य वरेण्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ सज्जन मंडली मातृशक्ति अदानी गैस लिमिटेड वाइस प्रेसिडेंट
राम बल्लभ सिंह प्रारंभिक सूचना प्रदान करी बालेश्वर प्रकल्प पाई कंपनी 500 कोटी व्यय करिवो ओ एहा बालेश्वर भद्रक ओ मयूरभंज जिल्लार 1.5 लाख उपभोक्ता को पाइप जोगे गैस जगाइबो बोली कहिथिले। एही कार्यक्रम रे जिलापाल रमेश चंद्र राउत, पूर्वतन विधायक प्रताप चंद्र षडंगी समेत अदानी कंपनीर वरिष्ठ अधिकारीगण ओ बहुत संख्यार बीजेपी कर्मकर्ता जनसाधारण उपस्थित थिले। दर्शक मंडल से बराबर स्वागत करेंगे कार्यक्रम को। गैस कनेक्शन प्रोजेक्ट थी 26 नवंबर 2016 मंत्री को डिमांड कर पार्लियामेंट कार्यक्रम आम जिले बालेश्वर जिले में मोर लोकसभा निर्वाचन मंडल पाखापाखि 500 कोटी टाइम खर्च तीनटा जिला को लेकिन बालेश्वर भद्रक मयूरभंज को पाखापाखि 1.5 लाख लोक उपकृत हे। निश्चित भाव में भारत सरकार करी 1.5 लाख लोक तीन टा जिला उपकृत हे। अर्थ प्रति जिले में 50,000 परिवार उपकृत हे। देखु ये गोटे ऐतिहासिक क्षण ओडिशा मातिर जन योग्य संतान पेट्रोलियम और गैस मंत्री अच्छा एवं तांकर प्रयास रे एवं नरेंद्र मोदी प्रति लोकंकर विश्वास एक सबके साथ सबके विकास परिकल्पना को साकार करवाई आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट रो शुभारंभ करिसंती माननीय प्रधानमंत्री। यह समस्त मनरे आनंदर लहरी खेलि आगामी दिन में यार सुजोग समस्ते पाइबे। स्वच्छ ईंधन, सुस्थ जीवन एवं सस्ता ईंधन पाइबापाई समस्ते योग्य हे। ओडिशार 17 जिला ये प्रोजेक्ट में सामिल होटा निश्चित रूप से ओडिशावासी आनंदर विषय। ये सुविधा मिलने का मार्ग खुल जाएगा। देश के विकास से जुड़ी, देश के लोगों के जीवन को आसान बनाने से जुड़ी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। 2014 तक देश के सिर्फ 66 डिस्ट्रिक्ट 66 जिले ओडिशा नौवाणिज्यर कथा कहे बालेश्वर सहर। दिन थिला बालेश्वर कसाफल बालीघाट आदि मुहाणरे लागुथिला देश विदेशर अनेक जहाज। जुआरिया नदी बुढ़ाबलंग बंगोपसागरकु संजोग करुथिबारु बालीघाट साजिथिला नौवाणिज्यर पेंडुस्थळी। बालीघाटते सिंहळ, जाभा, बाली आदि देश सह साधव माने बेपार वाणिज्य करुथिले। इंग्रेज शासन कालरे बालीघाट थिला एक समृद्ध बंदर। बालीघाटरु विदेश को लुगा लुण भली अनेक सामग्री समुद्र पथ दे रप्तानी होउथिला। बालीघाटरे मध्य ब्रिटेन रो लिवरपूल वो ऑस्ट्रेलिया रो जहाज लागुथिला। 1633 मस्यारे बालीघाट अंचलरे इंग्रेज बणिक राफेल कार्टराइट प्रतिष्ठा करिथिले प्रथम कारखाना। समयक्रमे बुढ़ाबलंग मुहाण पति होई जाइथिबारु जहाज चलाचल संभव हेलानी। पुणि कलिकता बंदर को इंग्रेज माने बेसी गुरुत्व देले फळरे बालीघाट को जहाज आसीबा बंद होइगला। बळंग मुहाण पति हेबा सांग को मलेरिया इंग्रेज माने बालीघाट छाड़ीबार आउ एक कारण हेला आउ बालीघाट सबदिन पई परित्यक्त होइगला। बालीघाटर ऐतिह्य को उज्जीवित कर रखा पई बालीघाट सुरक्षा कमिटी गुरुत्व दायित्व बहन करथिले। 2008 मसीह आरंभ होइथिला एही कमिटी बैत बंदाण और बाली मेला महोत्सव जरिया बालीघाट शिवरात्रि कालीपूजा आदि विभिन्न पूजा पार्वण आयोजन करा। बाली मेला महोत्सव जरिया बालीघाट ऐतिह्य को रोमंथन करने चल जाइर प्रचेषा। बालीघाट सुरक्षा कमिटी बाली मेला महोत्सव सांग को रथजात्रा, श्रावणी जलभरा उत्सव, बारुणी मेला, कालीपूजा आदि विभिन्न पूजा अर्चनार आयोजन महोत्सव आयोजन पर विशेष कार्यक्रम हाथ को नि मेला नवंबर 22 रु आरंभ होता बेले नवंबर 25 तारीख पर्यंत चलो। मनोरंजन यात्रार आयोजन सांग को 180 रु अधिक स्टॉल रे विभिन्न रकम जिनस पसरा संख्यार मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम आयोजन महोत्सव में शह शह लोक जमुची आकर्षण लोकमाला
सुसज्जित बालीघाटे संध्यार दृश्य बेस रमणीय। अत्यंत खुशी लगुच बालीघाट सुरक्षा कमिटी एतादृश्य कार्यक्रम पाई प्रति वर्ष भली ए वर्ष मध्य ए कार्यक्रम से मैंने जारी रखी एवं ये अनुष्ठान बहु पुरातन अनुष्ठान आज जो कार्यक्रम ये आम संस्कृति आम ऐतिह आम परंपरा को मन पकेबार कार्यक्रम मु अत्यंत खुशी हेउछि जे एठिका सुरक्षा कमिटी समस्त सदस्य सदस्य सचेतन अछन्ति सर्वोपरि से माने समाज पई एतिकी वार्ता देबा पई चाहिचन्ति जे आम पूर्वज मैंने केते मात्रा रे उन्नत थिले से माने जाभा सुमात्रा आदि द्वीप को जाई वाणिज्य व्यापार करी केते धनरत्न बही आणुथिले आम उत्कल को सर्वोपरि आम उत्कलवासी कौ मात्रे धनाढ़ थिले से कथा हेजेबा पाई आजिकार ये कार्यक्रम एठी गोटे कथा मुझे कहबि जे समग्र युव समाज को आह्वान मध्य करी आसतु आम समस्ते हिंसा द्वेष अहंकार को परित्याग करिबा परस्पर स्नेह प्रीति रे बांधी हे आमर ए ओडिशा को केमिति गोटे सुस्थ ओडिशा रे सुस्थ समाज रे सर्वोपरि आम केमिति समृद्धिशाली हेबू से बाबद्रे चिंता करिबार समय आछि एवं समस्ते प्रयास करिबा प्रचेष्टा करिबा एवं सर्वशेष रे ताकु सर्वसिद्धि करैबा आम समस्ते केमिति समृद्ध हेबा से बाबद्रे चिंता करिबा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बहुत दिन धरी चली आसुचि ये बालेश्वर सहर हेउछि एक परंपरा ऐतिह्य सहर जहाँ बालीघाट सुरक्षा कमिटी आमर जो वयोज्येष्ठ अछन्ति गगन भाई जगेन भाई समस्तंकर सहयोग नहीं आमे माने समस्त कर्मकर्ता एई कार्यक्रम को आगे नौचु। धन्यवाद देवी एई जनसाधारण मानकु जाहौ निज निज भितरे सतर्कता रही जो शांति श्रृंखला भावरे एई मेला को सेमाने उपभोग करुचंती एवं जो आमर परंपरा को मने पकाई वाणिज्यर जो दोकानदानी होती समस्ते आम परंपरा को मन पकेबा ऐतिह्य को मन पकेबा संस्कृति को मन पकेबा बालेश्वरवासी को एक भाईचारा सूत्र रे बांधी हेबा यह हूँ आम प्रयास। जय यह चार दिन धरी चालू रही गत 22 रु आरंभ हो 25 जाए कार्यक्रम चालू रज प्रथमतः बालेश्वरवासी को आज पवित्र डंगा बसा बोईत बंदाण उत्सव आमर कार्तिक मास पवित्र कार्तिक मासर आज कार्तिक पूर्णिमा रे मु ठाकुर पाखरे बालेश्वरवासी मंगल कामना करूची बालेश्वर सहरवासी उत्तरोत्तर उन्नति हो भगवान से मानको सत मार्ग परिचालित करूँ भाईचारार सहर समस्त भितर भाईचारार जो गोटे मेसेज जाऊँगी यहाँ सब प्रमाणित हो जे बालेश्वर गोटे भाईचारार सहर आउ ए भाईचारा समस्त भितर अच्छी सहयोग समस्त भितर अच्छी यहाँ निश्चित आज पवित्र दिन रे मु एवं आज जो आम ऐतिह जो ये हूँ निश्चित रूप से ये गोटे ऐतिह परंपरार संस्कृति सहर एवं ये बालेश्वर जिले में समस्ते आम जो भाव में एकत्रित ये कार्यक्रम को करूँ निश्चित रूप से ये कार्यक्रम गोटे निरा कार्यक्रम एवं ये कार्यक्रम को समस्त उपभोग करने चेषा करमी भाव में आगामी दिन में बजाय रखा आ काम भई कही आम आपको केमी भाव में बहुत आज भसेबू से समस्त आगामी दिन में पांच दिन जो कार्यक्रम अच्छी 25 तारीख पर्यंत आपक्रम को एंजय करेंगे। धन्यवाद। बंधुगण आज कार्यक्रम आपण मैंने सका उपभोग निश्चित गोटे ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जानते समस्ते ओडिशार ऐतिह परंपरा को मन पकेबा पाई आज दिन बोईत बंदाण कर समग्र ओडिशार उपकूलवर्ती जिला मानकर समस्ते जानते ओडिशारे 480 किलोमीटर उपकूलवर्ती अंचल रही ता भीतर बालेश्वर रे 82 किलोमीटर रही जे एही सब प्राय प्रत्येक स्थान रे ये कार्यक्रम चली सबुठ बड़ कार्यक्रम है कटक रे मु भावुची आज यही जो आगे ढाई मुझे भारी खुशी लगुची देखुची एक मत बहुत खुशी लगुची बहुत लोक कंग्रिगेशन है बहुत दुकान भी लगी लोक मैंने किणाकि करोग कर भल लगला जे वाणिज्य जो पेंटास्थल थी बालेश्वर जो इंग्रेज मैंने प्रथम आसी
ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠଶାଳା କରିଥିଲେ, ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବନ୍ଦରର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସେ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଫର୍ମ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଶ୍ୟାମଖୁଣ୍ଟ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଉକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଭତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହତାଶ ହେବା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଗୀତା ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ ଆଗ୍ରହ କରି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଗୀତା ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତଥା ମାରପିଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଆସୋସିଏସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। 23 ତାରିଖ ଦିନ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିସି ଓ ପାକରେ ଏକାଡେମୀ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖଡ଼ଗପୁର ୱାରିୟର ଖଡ଼ଗପୁର ଓ ସିନ୍ଥି ପାରାକ୍ସ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡିସି ବାଲେଶ୍ୱର 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 99 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପାକରେ ଏକାଡେମୀ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ଓ ପାକରେ ଏକାଡେମୀର ଅମନ ସିଦ୍ଦିକି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନ୍ଥି ପାରାକ୍ସ କୋଲକାତା 155 ରନ୍ 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଖଡ଼ଗପୁର ୱାରିୟର୍ସ 19 ଓଭର 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ପୂରା ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ 2 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅମ୍ପାୟାର ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାମଲ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ୱରୂପ ଜୋସେଫ ଓ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତ, ଏଇ ଆଶା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ U17 ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପିଲାମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଥିକ୍ସ ସମୟ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଜୁନିୟର୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି ଆମ ଆଗକୁ, ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଆମର ଲୋକାଲ୍ରେ 3ଟା ଟିମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୁଜୁରାଟରୁ, ଧାନବାଦରୁ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କୋଲକାତା, ଖଡ଼ଗପୁର ମିଶିକି 16ଟା ଟିମ୍ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି U17 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଷ ପିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଶାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେ, କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଆଶା। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଆର୍ମେଚର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରଫି ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଛି ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ 16ଟି ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ 14 ଦିନିଆ ଖେଳ ଚାଲିବ, ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ, ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଖେଳିବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କ କଲଚର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏନକରେଜ୍ ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବେ, ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ ଏଠି ଖେଳିପାରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ନହେଲେ ଏତେ ସହଜିଆ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛି, ଯାହା ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆର୍ମେଚର୍ କ୍ଲବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମାଇସେଲ୍ଫ ଅମନ ସିଦ୍ଦିକି, ହମଲୋ କୋଲକାତା ସେ ଆଏ, ପାକରେ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ, ହମଲୋକ ୟାଁ ପେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କା ଇଏ ଥା, ହମଲୋକ ୟାଁ ପେ ଖେଲେ ଆଏ U17, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସବୁ କୁଛ ଅଚ୍ଛା ୟାଁ ପେ, ଇଥିଲା ହମଲୋକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟାଁ ପେ ଆଏ, ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ବି ସବୁ କୁଛ ଅଚ୍ଛା ହେ, ସବୁ କୁଛ ୟାଁ ପେ ଅଚ୍ଛା ମିଲା, ବାକି ତ ଆଗେ ଦେଖେ କ୍ୟା ହୋତା ହେ। ସବ୍ U17, U14 ସବ୍ ହେଇଥିଲେ ମିଲାକେ, କୁଛ ଜୁନିୟର୍ସ ହେ, କୁଛ ସିନିୟର୍ସ ହେ,
हम लोग ऐसे बाहर गए हैं, मगर यहाँ बांग्लादेश भी खेल के आए रिसेंट, अभी कुछ दिन पहले हम लोग खेल के आए। यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा एटमोसफेयर, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। सुनट पात्रपड़ा रे बोइत बंदाण उत्सव उद्यापित हो जाएछि। कमिटी रा सभापति वेणुमाधव पंडा अध्यक्षता रे सभा अनुष्ठित होइथिला। सांसद इंजीनियर रवींद्र कुमार जेना अतिथि भावे जोगदे बोइत उद्घाटन करथिले। मुख्य अतिथि भावे जिलापाल रमेश चंद्र राउत, मुख्य वक्ता भावे कवि प्रशांत दास, सम्मानित अतिथि भावे पूर्वतन पराध्यक्ष आलोक कुमार साहू, शिल्पपति संग्राम दास, लायन्स क्लबर सभापति प्रकाश कुमार महांती जोग देथिले। वक्ता माने उत्कलीय नौवाणिज्यर स्मृति बहन करिथिबा बेले बोइत बंदाण उत्सव को प्रशंसा करिबा सहित एहाको आहुरी स्मरणीय करिबा उचित बोली कहिथिले। एही अवसर रे टाउन थाना अधिकारी सरोजिनी नायक को संबोधित करा जायथिला। अनुष्ठानर संपादक राजेन्द्र राउत मंच आह्वान करिथिबा बेले चिन्मय विश्वाल धन्यवाद देथिले। मुख्य उपदेष्टा चंद्रशेखर होता विवरणी पाठ करिथिले। कार्य परिचालन रे मानस बारिक, नारायण दास, मोहन बारिक, जतींद्र दास, अजय प्रधान प्रमुख कार्यक्रम परिचालना करथिले। शेषरे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। तेणु मुझे जड़े प्रथम ऑडियंस थी, तापर वक्ता बुझी पार्चे आपण मन भितर कि भाव में आग्रहित थी केते शीघ्र ये मीटिंग सरु। निवेदन करी आम भाई मान को आपण मैंने चेयर पकेबे ना स्टेज रे, से मो कथा सुनले ना चेयर पकेले, तेणु बुझी पार्चे केते व्यथा थी आपण मान मन में। बहुत धन्यवाद देवी जे आपण मान को मुहरे हस फुटेबापी ये जो प्रयास कर भाई मैंने आयोजक बंधु मैंने, ये एक सुंदर प्रतिष्ठा। आगामी दिन में दुई दिन तीन दिन हम मुझुली ये मध्य आ गए दीपाद आगे जाए एक प्रतिष्ठा नहीं बोइत बंदाण उत्सव विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा प्रबाद पुरुष स्वर्गत नवकृष्ण चौधरी 118वां जयंती सभा मिलित ओडिशा निवारण अभियान जिला कमिटी तरफ अनुष्ठित हो जाएछि। नीलियाबाग स्थित मोना कार्यालय रे शुक्रवार दिन वरिष्ठ आईनजीवी प्रभाकर साहू अध्यक्षता रे एही सभा अनुष्ठित होइथिला। डॉक्टर प्रहलाद चंद्र महांती स्वर्गत नवकृष्ण चौधरी फटोचित्र माल्यार्पण करी सभा को उद्घाटन करथिले। साधारण संपादिका ममता महापात्र अतिथि मानक परिचय प्रदान करी निशा निवारण दिगरे तांकर ऐतिहासिक भूमिका को प्रशंसा करथिले। धूल के फूल निर्देशक युव समाजसेवी गोविंद दलई, उपदेष्टा सुब्रत करंग समेत गौरांग पाणिग्राही, मनोज नायक, सीताराम प्रधान, अर्चना नंदी, डॉक्टर केशव पंडा, कमलाकांत दास, सरस्वती पंडा, भगीरथी दास प्रमुख एहि जयंती सभारे सेमानकर वक्तव्य प्रदान करिथिले। कल्याणी नंद एक कविता पाठ करिथिले। खैरार लोकनाथ पाठगार तरफ मोनार संपादिका ममता महापात्र को मानपत्र व उत्तर प्रदान करी ए सभारे संबर्धित करा जायथिला। पाठगार मुखपत्र मातृकृपा एही अवसर रे उद्घाटन करा जायथिला। स्वर्गतः वैषव पल्डा देहांतरे एवं महानदी पोल उपरु खसी पड़ी बस दुर्घटना रे अकाल मृत्युवरण करिथिबा व्यक्ति मानक उद्देश्य रे 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जायथिला। बासंती दे सभा शेषे धन्यवाद देथिले। जदिओ से शांति निकेतन रे पढ़ी मालती देवी को सही साक्षात करी से विवाह करथिले, किंतु से जने ओडिया माटी रो पुओ थिले। आमे ओडिया जाति रो टेक रखिथिले, आमे तांको पे गर्व करिबा। आज तांकर ए जयंती रे मु तांको मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन करूछि। आज एभरी एक जयंती जेटा आउ जने मध्य शिक्षापी
କବି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଉଛି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତତ୍ ସହିତ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ପୋତି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସି ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିର ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ହାତ ହଲାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲା। ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର 8 ଜଣ ଯୁବକ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଯିବା ସହ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 8 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସମାଚାର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ପୁଣି ଥରେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ବାଲିଘାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବାଲିମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ସୁନଟ ପାତ୍ରପଡ଼ା ବୈତବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ, ବେଳାଭୂମିରେ ପୋତି ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବାର ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ, ପତ୍ତା ଫର୍ମ ଆବେଦନ ବେଳେ ଶ୍ୟାମଖୁଣ୍ଟା ବିଡିଓଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ 3 ଦିନ ଧରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା, ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଆସୋସିଏସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ଆମତୁର କ୍ରିକେଟର୍ସ ଟ୍ରଫି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୟ ଥାନା ନୂଆଗାଁ ଛକରେ ପଛପଟୁ ବାଇକ୍କୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରକ୍ ଚାପରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ। କ୍ଷେତ ଜଗିଛି, ମାଲିକ ରାଗିବ, ପାଣି ବିନା କ୍ଷେତ ମଲାଣି ଜଗିଛୁ କାହାକୁ? ଦେଖ ମୋ ମାଲିକ ହରିପ୍ଲାଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ରେ ପାଣି ଦେଇ କ୍ଷେତକୁ କେମିତି ଛନଛନିଆ କରିଛି। ପାଣି ଲେଖିଥାଏ କାହାଣୀ, କେତେବେଳେ ଆଶାରୁ ଏକ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦାର ଦ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖଟିଖିଆ ଚାଷୀର ଝାଳର, ଆଉ କେତେବେଳେ ଖୁସିର ତରଙ୍ଗାୟିତ ଲହରୀର, ସବୁବେଳେ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖି ଚାଲିଛି ଓମ୍ ପାଇପ୍ସ। ଜର୍ମାନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ ପାଇପ୍, କାରଣ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ବଢ଼ାଇଥାଉ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନାର ହାତ। ଓମ୍ ପାଇପ୍ସ, ପିଭିସି ପାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଟିଙ୍ଗସ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆମକୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ ଭିଜନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର, ମଣ୍ଡଳ ବଜାର, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437085189438085574। ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି 10:30 ଏବଂ ପୁନଃପ୍ରସାରଣ ସକାଳ 7:30। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓମ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ନମସ୍କାର।